Mais avant tout, faut bouger la tête. दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में कई तरह के कोटे होते हैं जिनके बारे में शायद आप जानते ही नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कोटे के बारे में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष सिंह और स्वागत है आपका बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि सीनियर सिटीजन कोटा के बारे में। दोस्तों, इस कोटा के अंतर्गत भारतीय रेलवे की सभी रेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जन शताब्दी के किराए में कम से कम 60 वर्ष के पुरुष नागरिक और 58 वर्ष के महिला नागरिक को किराए में छूट दी जाती है। और इस कोटे के तहत सीनियर सिटीजन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसमें सबसे पहले बुज़ुर्ग लोगों को ही सीट दी जाती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन के टिकट में दाम कम किया जाता है। हाई ऑफिशियल या हेडक्वार्टर कोटा। दोस्तों, ये कोटा हाई रैंक के ऑफिसर को दी जाती है, जैसे कि जज, आर्मी के बड़े ऑफिसर और रेलवे के बड़े ऑफिसर इत्यादि। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए आईडी प्रूफ दिखाना होता है। रोड साइड कोटा। बड़े स्टेशनों के बीच जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, तब उन्हें रोड साइड कोटा में डिजर्व किया जाता है, उन्हें टिकट दी जाती है। बता दें कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी होती है। पार्लियामेंट हाउस कोटा। दोस्तों, आप नाम सुन के ही जान गए होंगे ये कोटा किन लोगों के लिए है। ये कोटा नेताओं के लिए है। दोस्तों, उन्हें स्पेशल सीट दी जाती है। ड्यूटी पास कोटा। ये वो कोटा है जिसमें रेलवे के कर्मचारी को ही दी जाती है और इस कोटा का फ़ायदा सिर्फ रेलवे की कर्मचारी को दी जाती है। फोरिजन ट्रस्ट कोटा। बता दें कि विदेश से आए हुए लोगों को ये कोटा दिया जाता है। इसके लिए उन्हें पासपोर्ट, वीज़ा, देश के आईडी प्रूफ दिखाने होते हैं। बता दें कि सुविधा के तहत फोरिजन टूरिस्ट 307 दिन पहले बुक कर सकते हैं। इससे पहले फोरिजन टूरिस्ट को 120 दिन पहले टिकट बुक करने की सुविधा दी जाती थी। बता दें कि इस सुविधा के तहत फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी ही बुक करना सकते हैं। इसके अलावा सुविधाएँ मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, गतिमान और तेजस ट्रेनों में उपलब्ध हैं। बता दें कि थर्ड एसी और स्लीपर में इनकी ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं। डिफेंस कोटा। भारतीय डिफेंस सर्विस में काम करने वाले सभी लोगों को दिया जाता है, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ इत्यादि। जैसे कोई भी स्पेशल फोर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ कोटा। दोस्तों, ये कोटा महिलाओं को दिया जाता है। महिलाओं के लिए सीट बुक करानी हो तब इस कोटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एसओ में वेटिंग लिस्ट हो तो आप यहां से क्लियर करा सकते हैं। हैंडीकैप्ड कोटा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो ये कोटा बिल्कुल आपके लिए है। इस कोटे को बुक करा सकते हैं अगर आपके पास विकलांग का सर्टिफिकेट हो तो। इसके लिए उन्हें स्पेशल सीट दी जाती है और ऐसे लोगों को टिकट जल्दी क्लियर हो जाती है। दोस्तों, ये तो था कोटे के बारे में जो कि इंडियन रेलवे कोटा में होता है। बहुत लोग इस कोटे के बारे में नहीं जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आपके लिए हम ऐसे लाते रहें और आप देख पाएँ। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।